मान लीजिए अगर दान कर्म करके अपने कर्म को सुधार ले, दान धर्म कुछ भी करके कर्म को सुधार ले, तो क्या सुधारा जा सकता है? दान का क्या महत्व? भूमि दान से क्या मिलता है? किन चीजों से अपराध लगता है, किन चीजों से पाप लगता है, ये भी तो बताइए। बोले महाराज इसका भी महत्व है। भूमि दान करने से क्या लाभ होगा आपको, ये भी जान लीजिए। तो भूमि का हरण करने से पाप लगेगा, भूमि का दान करने से आपको लाभ। महाराज भगवान ने बताया कि संध्या करने वाले ब्राह्मण को भूमि दान जो करता है उसे शिव मंदिर निर्माण कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप किसी ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं जो संध्या वंदन करने वाला है, नियमों को मानने वाला है, तो यदि आप उसे भूमि दान करते हैं तो उसे शिव मंदिर निर्माण कराने का पुण्य फल मिलता है जो भूमि दान करता है। महाराज फसल सहित दान करने वाले सतपुरुष को उतने वर्ष विष्णु लोक में उस लोक का सुख प्राप्त होता है जितने रजकर उस भूमि में समाहित होते हैं। यदि किसी को आप किसी ब्राह्मण को मान लीजिए अनाज है आपके खेतों में और आपने उसे दान कर दिया, तो उसमें जितने रजकण होंगे उतने दिनों तक आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है महाराज। और सज्जन पुरुष भूमि दान करने की जो प्रेरणा देता है वो भी पुण्य का भागीदार बनता है। उसके बाद कहा कि महाराज जो ब्राह्मण की भूमि का हरण करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक काल शूत्र नामक नरक भोगता है, श्रीहीन पुत्रहीन होकर के दरिद्र हो जाता है। गोचर भूमि का हरण करने वाला देवताओं के 100 वर्षों तक कुंभी पाक नामक नरक में रहता है। गौओं के खिराक तालाब सार्वजनिक मार्ग का हरण करने वाला व्यक्ति असिपत्र नामक नरक में 14 इंद्रों की आयु के समान निवास करता है महाराज। और उसके बाद बताया कि किस किस चीज को भूमि पर रखने से पाप लगता है। ऐसे छोटे छोटे कर्म करने से हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं और फिर हमें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तो शिवलिंग को, भगवत विग्रह को, शंख को, पुष्प को, गोरोचन को, पुस्तक को, यज्ञोपवीत को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए महाराज। इससे जीव नरक गामी है और नरक में इससे परिणाम भोगना पड़ता है। तो इन 8 चीजों को कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। पुष्प को कभी हाथ में रख करके भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, पता है? सिर्फ आप पुष्पांजलि कर सकते हो महाराज हाथ में रख करके, क्षमा याचना, बाकी जो आप पुष्प चढ़ाते हो भगवान को वो हमेशा किसी पात्र में ही रख करके चढ़ाना चाहिए, हाथ में रख करके नहीं चढ़ाना चाहिए, इनसे भी पाप लगता है। अब नारद जी ने यहाँ पर प्रश्न किया कि प्रभु ये सब कथाएं तो मैंने सुनी, मेरा मन बड़ा भयभीत हो गया, मेरा भी मन थोड़ा सा दहल सा गया महाराज, इतनी नरकों की बात आपने बता दी, इसलिए थोड़ा सा प्रसंग को बदला और कहा महाराज ये गंगा संसार में आई कैसे, इस गंगा को लाने का कार्य किया किसने महाराज? बोले सूर्यवंशी राजा हुए सगर महाराज, इनकी 2 पत्नियां थी, इनकी एक पत्नी थी वैदर्मी, दूसरी थी सैव्या। तो वैदर्मी को 1 पुत्र हुए असमंजस और सैव्या ने 60,000 बालकों को जन्म दिया। जब राजा सगर ने यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग गया इंद्र, इंद्र घोड़ा चुरा करके भागा और घोड़े को बांध दिया कहाँ? कपिल महाराज के आश्रम के सामने। ये बालक 60,000 उसका पीछा करने लगे। कपिल महाराज के आश्रम के सामने कुटिया के सामने उस घोड़े को बंधा देखा, इसलिए उन्हें ही अपराधी मान करके मार पड़े। कपिल महाराज उस समय समाधि में थे, जोर का शोर सुना तो महाराज उनके नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तो ये सबरे जल करके भस्म हो जाए। अकाल मृत्यु मिली तो प्रेत बन करके यहाँ वहाँ डोलने लगे, इनको सदगति नहीं मिली, मुक्ति नहीं हुई। तो इनके पुत्र, इनके जो पुत्र थे सगर जी के असमंजस, इन्होंने तपस्या की पर भगवान कपिल को प्रसन्न नहीं कर पाए। असमंजस के अंशुमान, इन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी प्रसन्न नहीं कर पाया महाराज। तो इनके हुए दिलीप जी महाराज, उन्होंने भी यही तपस्या की। तब भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर के बताया था, भगवान
के चरणों से निकली गंगा है, उन्हीं से इनकी मुक्ति होगी। यदि वो धारा धाम में आएगी और इनके राख से स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो दिलीप भी गंगा को नहीं ला पाए, ना असमंजस नान सुमान ना दिलीप, कोई ये कार्य नहीं कर पाया। तब इन्हीं के वंशज हुए भागीरथ महाराज जी, और भागीरथ ने तपस्या की महाराज, तब कहीं जा करके भगवान श्री हरि के निर्देश पर गंगा भागीरथ के पूर्वजों को तारने के लिए इस भूलोक में आने को तैयार हो गई और पूछा कि प्रभु मैं जा तो रही हूँ लेकिन संसार के पापों को स्वीकार कर करके मैं स्वयं पापिनी हो जाऊंगी, तो ये पाप जाएगा कहाँ, मुझसे भी छूट करके पाप जाएगा कहाँ। बोले महाराज ये सब पाप जाएगा आदि शक्ति के भक्त जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उन संतों में ही ये पाप चला जाएगा, क्योंकि संतों को कोई अपराध नहीं लगता, पाप नहीं लगता, और तुम भी पापों से मुक्त हो जाओगी, वो संत भी पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो वही इन पापों को अंगीकार करेंगे। लेकिन माना जाता है कि आपने गंगा में पाप धोए, गंगा किस में उस पाप को लेकर के डाल देती है, समुद्र में। समुद्र किस में डाल देता है, बोले भाप बना दिया, भाप बना करके कहाँ पहुंचा दिया, आकाश में। आकाश ने उस पाप को क्या किया, रखा अपने पास, बोले नहीं रखा, उसका बना दिया बादल, बादल ने क्या किया, उसके बना दिए वर्षा, अच्छा अर्थात जल महाराज। अब वो जल वो भी नहीं रखता उस पाप को, वो कहाँ करता है, वर्षा कर दी अनाजों में, अनाज ने भी उस पाप को नहीं रखा महाराज, वो अनाज आप लेकर के आए, काटा पीसा और उसी को पा गए महाराज। तो जो आपने किया वही लौट करके आपको मिल गया, इसलिए पाप आपको भोगना ही पड़ता है। अब प्रायश्चित करोगे, भजन करोगे, क्या करोगे, ये आपके हाथ में है।